हाय एवरीवन आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर फोर द ओल्ड क्लॉक शॉप के बारे में हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में जनरली एक रे नाम के एक पर्सन होते हैं उनके बारे में बताया गया है उनका एक शॉप होता है जहां पे दो पर्सन आते हैं एक थोड़ा एक पर्सन का जो एज होता है ज़्यादा होता है और एक पर्सन का एज क्या होता है कम होता है तो वो दोनों लोग रे के शॉप पर आते हैं और रे क्या होते हैं उनके कानों से सुनाई नहीं पड़ता यानी कि वो डीफ होते हैं बहरे होते हैं तो आगे चलिए इस स्टोरी में क्या होता है हम पढ़ते हैं क्रिसमस इव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम अ थिक वाइट सीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएस से क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी यहाँ पे लिखा हुआ इव इव मतलब इवनिंग यानी कि क्रिसमस की, की पूर्व संध्या आ गई थी और ज, जैसे ही अंतिम समय के सारे खरीदार क्या हो रहे थे घर वापस जा रहे थे गोइंग होम मतलब घर वापस जा रहे थे और जो अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी थी उसके ऊपर चारों तरफ क्या हुआ था बर्फ की एक मोटी परत जम गया था येट द लाइट वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप तभी भी रात को क्या हो रहा था एक घड़ी की दुकान में यानी कि एक पुरानी घड़ी की दुकान में रोशनी अभी भी जल रहा था इट्स ओल्ड डिफ ओनर यानी कि इसका जो ओनर था इसका जो मालिक था वो क्या था बहरा था यानी कि उसे सुनाई नहीं पड़ता था वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल द डेड डे और वो उस घड़ी पे काम कर रहा था जिसे उन्होंने क्या होता किसी दिन बेचा था हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क अपना काम समाप्त करने के बाद रे स्टूडअप यानी कि रे खड़े होते हैं एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम वेन अ कोल्ड रस ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक तभी क्या होता है वो पीछे के कमरे में जा रहे होते हैं काम समाप्त करने के बाद पीछे के कमरे में जा रहे होते हैं तब सामने के दरवाजे से समझ में आ रहा है यानी कि फ्रंट डोर के सामने से यानी कि सामने के दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आता है और उनके गर्दन के पिछले से हिस्से टकराता है यानी कि कोई दरवाजा आके खोलता है कोई दूसरा शॉपर होता है समझ में आ रहा है ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर और वह अपने अंतिम समय के खरीदार से मिलने के लिए मुड़े बट हिज ओल्ड वाइज आई टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर लेकिन उनकी बूढ़ी समझदार आंखों ने उन्हें बताया कि यह कोई खरीदार नहीं है ही सॉ टू मैन वह दो आदमी को देखते हैं वन इन हिज ट्वेंटीज द अदर क्लोजर टू फिफ्टी उनमें से एक जो था वो लगभग बीस साल का था और दूसरा था वो लगभग पचास साल का था द यंगर मैन रिमेन एट द डोर और जो छोटा वाला आदमी होता है यानी कि बीस साल वाला जो आदमी होता है वो दरवाजे पर ही खड़ा होता है द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़ यानी कि जो ओल्डर मैन होता है जो लगभग पचास साल का होता है वो काउंटर पे आके अप्रोच करता है यानी कि उससे बातचीत करने के लिए काउंटर पर आता है विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस यानी कि उसमें कोई भी मित्रतापूर्वक उस मतलब उसकी आंखों में कोई भी मित्रवत व्यवहार का साइन नहीं था यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि लूटने के लिए आया हो रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रो ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुस्ट अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर अब रे तो इतना ज़्यादा बड़े होते हैं यानी कि उम्र उनका बहुत ज़्यादा होता है रेखा तो वो अपना जो फियर होता है अपना जो डर होता है वो उसे छिपाने में सक्षम हो पाते हैं और क्या करते हैं धीरे से एक नोट और एक पेंसिल उसकी तरफ काउंटर पर पुश करते हैं समझ में आ रहा है यानी कि वो बहरे होते हैं तो वो उस पर लिखने के लिए कुछ या फिर लिखते हैं और उसकी तरफ कुछ पुश करते हैं ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस यानी कि वह उस अमित्रवत व्यवहार करने वाले फेस पर क्या होते है? हैं मुस्कुराते हैं देन पॉइंटेड टू हीज ईयर्स एंड शोक हीज़ हेड फ्रॉम साइड टू साइड और अपना सिर क्या करते हैं हिलाते हैं साइड टू साइड अपने कान की तरफ इशारा करते हुए अपने सिर को हिलाते हैं यानी कि वो ये बताते हैं उसे इशारों में कि मैं क्या हूँ डीफ हूँ मैं बहरा हूँ अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडी द नोट पैड जैसे ही व्यक्ति ने नोट पैड पढ़ा वो तुरंत आश्चर्य से उसका फेस एक्सप्रेशन क्या हुआ बदल जाता है देन टर्न एंड सेट समू फ्रेंड और तब वो क्या होता है मुड़ता है और अपने दोस्त से कुछ कहता है रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है रे ने मौके का इस्तेमाल उस आदमी को करीब से देखने के लिए किया समझ में आ रहा है यानी कि रे उस आदमी को करीब से मौके जैसे मौका मिलता है वो बहुत ही करीब से उस आदमी को देखते हैं और समझ जाते हैं क्या कि बंदूक के आकार और आदमी के दाहिने कोट की जेब में बेचैन हाथ पर ध्यान दिया उन्होंने समझ में आ रहा है यानी कि उसकी दाहिने हाथ जो था उसके पॉकेट में एक गन का आकार का दिखाई दे रहा था यानी कि उसने गन रखा हुआ था और बार बार अपने हाथ को हिला रहा था यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन था गन को लेकर हो सकता था कभी भी गन निकाल देता वो और रे को दिखा सकता था समझ में आ रहा है वो रे इस बात को समझ जाते हैं एंगर बॉयल्ड विद इन हेम और जो क्रोध होता है वो उबल रहा था उसके भीतर बट इट वॉज केप डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल परंतु उसके अंदर का जो आवाज था वो उसे शांत कर रहा था वो शांत हो गया था जिसमें कह रहा था यानी कि उसके अंदर का आवाज़ कह रहा था कि अभी शांत रहो ही रोड ऑन द नोट पैड तब वो नोट पैड पर कुछ लिखते हैं मे आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ रे ने ऐसा लिखा नोट पैड पर फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुकड द डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल पहली बार वो जो ओल्डर मैन होता है जो अप्रोच करता है काउंटर पर वो सीधा रे की रे की तरफ देखता है और स्माइल करता है और वो स्माइल कैसा होता है अ क्रूएल अ मॉकिंग स्माइल समझ में आ रहा है एक निर्दयी मजकिया भाव से वो क्या होता है मुस्कुराता है दे बोथ अंडरस्टैंड वॉय ही वॉज देयर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो वहां क्यों था क्यों था भाई क्योंकि वो इसलिए आया था क्योंकि या तो उसे पैसे लूटने थे या फिर चुराना था समझ में आ रहा है जबरदस्ती का वाई हिज फ्रेंड्स रिमेन एट द डोर और यह भी समझ जाते हैं कि उसका जो फ्रेंड है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है दे लुक लाइक मैन who डाउन ऑन on लक एंड and नाउ रेडी टू ट्राई try something दे वुड लेटर बी सॉरी वो दोनों ऐसे लग रहे थे कि अपने किस्मत से निराश हैं और इस निराशा के का कारण वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें बाद में क्या होता है उस बात को लेकर पछतावा होता ये चीज़ यहाँ पे लाइन में बोल रहा है द क्लॉक टिकड ऑन घड़ियाँ बजती रही रे कालमी रोट एन अदर मैसेज रे ने दूसरा मैसेज लिखा हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच क्या आप घड़ी लेने आए हैं देन ही पॉइंटेड द लोन बोर्ड विद फिल विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट्स वॉच फिर वह लटकती हुई घड़ियों से भरे ऋण बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं यानी कि लोन बोर्ड की तरफ वो क्या करते हैं इशारा करते हैं जहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ लटक रही होती हैं ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कूडंट से नो टू द नीडी पीपुल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉच और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट इस लाइन को ध्यान समझिए पूरे लाइन को ध्यान समझिएगा ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर यानी कि वह एक साहूकार नहीं थे लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को वो ना नहीं कह सकते थे जो उनके सामने अपनी पुरानी घड़ी रखता था या फिर उनके सामने रख देता था जो उन्हें मिल सकता था उस घड़ी पर वो उससे भी ज़्यादा ही उधार दे देते दे थे समझ में आ रहा है ही लोन मोर देन ही सूड यानी कि जितना उनको चाहिए था वो उससे भी ज़्यादा उन्हें उधार देते दे थे दे वुड बी देर वेन द ओनर्स वॉन्टेड दम बैक और उन्हें तब वापस करना होता था जब उसका जो मालिक होता था यानी कि लेने वाला जो पैसा पैसा जो लेने वाला होता था जब वो देने में सक्षम हो जाता था तब वो देता था एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट और उसी प्राइस को उसी कीमत पर भुगतान करना बिना किसी ब्याज के यानी कि जब वो बाद में पैसे भी देता था तो बिना किसी ब्याज के उतना ही पैसे उन्हें वापस कर देता था वो ऐसे व्यक्ति थे देन द ओल्डर मैन सिम्स टू फील अ लिटिल इजियर टुक आउट हिज हैंड्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक एट द वॉच ऑन हिज रिश्च अब उसको आसान लगने लगा वह अपने पॉकेट से हाथ निकाला और अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया समझ ना रहा है क्विकली लुक एट द वॉच यानी कि अपनी घड़ी तरफ इशारा किया जो अपने कलाई में पहना हुआ था हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस द मैन रोड यानी कि वह घड़ी की तरफ इशारा करते हुए दिखाया और लिखा नोटपैड पर कि तुम यानी कि आप इसके लिए कितना पे करेंगे रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम रे ने उसकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी नोटिस किया समझ में आ रहा है द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड ग्रेट पावर उस वॉच में यानी कि उस घड़ी में कुछ भी खास नहीं था फिर भी उसमें बड़ी शक्तियां थी क्यों बढ़िया क्यों बड़ी शक्तियां थी देखिए समझिए इट वॉज समथिंग्स टू एक्सचेंज यही एक ऐसा चीज़ था जिससे हम क्या कर सकते थे कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर सकते थे एक बुरे सिचुएशन से यह वॉच क्या कर रहा था बचा रहा था नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉड द मैन टू हिज ही इन द फर्स्ट प्लेस रे आस्क हाउ मच डू यू नीड फॉर इट द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट्स वर्थ यानी कि रे उस आदमी को समझ जाते हैं देख कर या आदमी को देख कर समझ जाते हैं कि उसकी जो आवश्यकता होती है यानी कि उसकी जो जरूरत होती है वो जरूरत उसको दुकान पर लेकर आई होती है यानी कि उसकी ज़रूरत रे की दुकान पर खींच लाई होती है रे पूछते हैं यानी कि नोट पैड पर रे लिख कर पूछते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता है हाउ मच डू यू नीड फॉर इट यानी कि इसके लिए आपको कितनी आवश्यकता है तो वापस वो मैन जो होता है वो नोट पैड पर रिप्लाई बैक करता है कि जितना आपको इसका जो भी इसके लायक हो यानी कि जो कुछ भी इसके लायक हो वो पे कर दीजिए रे रिस्ट इन टू हिज कैश बॉक्स पुल्ड आउट ऑफ फिफ्टी डॉलर नोट एंड पास्ड इंटू द मैन हैंड्स एज द सुक्स हैंड्स रे लुकड इं टू द मैन आइज देस सिम्स टू से थैंक्स रे अपने कैश बॉक्स में पहुँचे पचास डॉलर का नोट वहाँ से निकालते हैं और उस आदमी के हाथ में दे देते हैं जैसे ही वो उन्हें देते हैं और हाथ मिलाकर उनका जो होता है हैंडसेक करते हैं यानी कि हाथ को हिलाते हैं आदमी की आंखों में देखते हैं तो जैसे ही वो आदमी की आँखों में देखते हैं तो वो आदमी क्या कहने लगता है धन्यवाद थैंक्स इसके लिए धन्यवाद वो आदमी इसके लिए धन्यवाद देने लगता है दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच यानी कि वो दोनों व्यक्ति जानते थे कि घड़ी की कीमत इतनी नहीं है जितना कि रे दिया होता है बिफोर टर्निंग टू लिव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन मैरी क्रिसमस यानी कि वो व्यक्ति तब क्या होता है थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर क्या कहता है वो वापस नोट पैड पर लिखता है कि मैं जल्द ही इसे लेकर देने के लिए वापस आऊँगा और तब वो मैरी क्रिसमस बोलते हैं यानी कि क्रिसमस की उसे बधाई देता है और फिर वो चला जाता है द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर्स ये छोटी कहानी आधे घंटे में ही समाप्त हो गई और सभी घड़ियां एक साथ क्या होती है तब स्ट्राइक करने लगती है यानी कि बजने लगती हैं यानी कि उस समय बारह बज रहा होता है द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल्ड ऐसा लग रहा था कि सभी घड़िया चुपचाप इस सिचुएशंस को देख रही थी रेंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कूड हियर देम यानी कि तभी क्या होता है कि वो सभी एक ही साथ बजने लगती हैं रे को ऐसा फील हो रहा था कि वो सभी इन घड़ियों की रिंगिंग को, को यानी कि सभी घड़ियों के स्ट्राइक को वो सुन सकते हैं देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फील्ड विथ द होप और यह जो मधुर संगीत सुनाई दे रहा था वो एक मैसेज दे रहा था क्या दे रहा था आशा का होप का मैसेज दे रहा था यहाँ पे लिखा हुआ देखिए द टाइमलेस मैसेज यानी कि समय के साथ जिस मैसेज का अंत ना हो टाइमलेस मतलब यानी कि समय के साथ उस मैसेज का वैल्यू कम ना हो खत्म ना हो और पीस ऑन अर्थ गुड विल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ड बाई थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक्स ऑफ यानी कि इस मैसेज का कोई अंत नहीं कि पूरी धरती पर हमेशा शांति बनी रहे ऐसी अच्छी भावना को वो क्या करते हैं वहां के जो तीनों लोग खड़े होते हैं वो महसूस करते हैं समझ में आ रहा तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है थैंक्स टू तो ऑल